हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह भी अच्छी और ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज इफ्तार में बन रहा था कस्टर्ड, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने दूध को अच्छे से बॉयल कर लिया है और हम फिर इसमें कस्टर्ड मिलाएंगे। तो जब हम ज़्यादा दूध में नहीं मिला सकते क्योंकि फिर उसमें लम्स पड़ सकते हैं, तो इसलिए हम सेपरेटली इसको लेंगे। एक कटोरे में दूध लेना होता है और उसे सेपरेटली ही अच्छे से मिक्स कर लेना पड़ता है। और फिर इसको अच्छे से मिक्स हो जाता है, क्योंकि ये जो दूध है इसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर हमने इसके अंदर मिल्क मेड भी डाला है। मैं इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं दिखा रही हूँ, बस एक शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो देखिए, यहाँ पर मिल्क मेड हमने इसमें डाला है हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हो इस तरह से। और हमने मिठाई मेड, मिल्क मेड दोनों इसको बेलते हैं, इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे ताकि मिक्स हो जाए। और देखिए, हमने ये भी इसमें डाल दिया। और देखिए, ये हमने लिए होममेड जेली, घर में बनाई हुई जेली है। और इस तरह से ये कुछ फ्रूट्स है, कीवी, अंगूर, एप्पल है, बनाना है, अनार है। तो इस तरह से फ्रूट्स है। और देखिए, इस तरह से ठंडा हो चुका है। और हमने इसे, अब हम इसमें सब फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से कीवी हमने डाल दी, इसमें अनार डाल देंगे और एप्पल डाल देंगे, बनाना डाल देंगे, सब फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे। और फिर हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। और जो होममेड जेली हमने बनाई थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, उसे अच्छे से स्टर कर लेंगे ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए और सब इसमें फ्लेवर आ जाए। और एक बनने के बाद इतना टेस्टी और अच्छा लग रहा था, इतना फ्लेवरफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। आप भी घर पर बनाएं और इसे खाएं, जब आपको पता चलेगा कितना टेस्टी लगता है। वैसे तो YouTube पर इसकी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ की भरमार पड़ी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में, वैसे तो मैंने डिटेल में ही यहाँ पर रेसिपी बताई हुई इसकी, आप देख सकते हो कितना टेस्टी, कितना डिलीशियस लग रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, आज इफ्तारी में क्या क्या सामान है आपको दिख जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान है, जैसे कि एज यूजुअल रोज़ ही रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पकौड़े मूंग के, और तीन तरह की जलेबियाँ थी, मावा जलेबी, शुगर की, गुड़ की, और ये बाहर की जो नेबर्स यहाँ पर हम लोग देते हैं प्लेट्स बनाकर इफ्तार की, वो यहाँ पर रेडी हो रही थी। और आज रगड़ा भी बनाया हुआ था मेरी मम्मी ने, और चने भी बनाए हुए थे। वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने स्पाइसी खाने का और मसालेदार खाने का मना किया है, तो इसलिए मैं स्पाइसी चीज़ें नहीं खा रही हूँ, खट्टा खाने का मना किया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि सब कुछ मुझे मना है। और ड्राई में मैंने वाटरमेलन वगैरह भी नहीं खाया, और पपाया अगर कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि जो फ्रूट्स मुझे तो गर्म पड़ जाएंगे मेरी सेहत के लिए, मैंने नहीं खाई। और देखिए, नाविया इफ्तार के पहले ही यहाँ पर चिकन लेकर बैठ गए थे, इस तरह से आप देख सकते हो। नाविया को हंसी भी आ रही थी। और देखिए, चिकन भी लेकर आए थे बाहर से, और कचौरी, समोसे, सभी, मतलब सभी इफ्तार में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इफ्तारी हमेशा होती है हमारी, मेरे यहाँ पर भी, मम्मी के यहाँ पर भी, और मेरे ससुराल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हम लोग इफ्तार में, जो भी हमसे बन पड़ता है, मंगाते और खाते हैं और दूसरों का भी देते हैं। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर चने, रगड़ा, ये हमारे जो आजू बाजू वाले हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनके यहाँ पर हम लोग ये प्लेट्स बेचते हैं, वो भी हमारे यहाँ पर बेचते हैं जो उनके यहाँ पर बनता है इफ्तार में। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे मेरी बहन जो है खजूरें रख रही हैं, देखिए, और यहाँ पर सबकी प्लेट्स तैयार हो गई है। और अब देख सकते हो इस तरह से यहाँ का कुछ नज़ारा है। और ये देखिए, होममेड इमली की चटनी है जो कि मेरी मम्मी ने घर में बनाई है, इमली का पल्प, जो कि हम लोग बाहर से इमली का सॉस लाते हैं, तो मेरी मम्मी ने घर में ही बनाया, और बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना है ये। मैंने थोड़ा सा टेस्ट की थी, वैसे तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है सब कुछ खाने के लिए, फिर भी मैंने थोड़ा सा टेस्ट की थी। तो देखिए, इस तरह से यहाँ का सब नज़ारा। अभी इफ्तार में थे 15 मिनट बाकी, तो मैं बैठी थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट ले लिया था। वैसे तो कल तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, आज मैं थोड़ा बैठी थी, तो मैंने थोड़ा शूट ले लिया था यहाँ पर। तो देख सकते हो सबके आगे अपने अपने प्लेट्स, अपने अपने बाउल रख दिए गए हैं इस तरह से, आप देख सकते हो। ये देखिए, बाहर की प्लेट्स है और ये घर की प्लेट्स है। और देखिए, कचौरी है, जलेबी है, चिकन है, चने हैं, समोसे हैं, मटन के भी समोसे हैं, आलू के भी समोसे हैं, रगड़ा है इस तरह से। और देखिए, अभी दिखा रहे चिकन कांडी आपको इस तरह से, ये चिकन कांडी हम लोग ने बाहर से लेकर आए और अजीब चले गए।
और देखिए इस तरह से मेरी बहन जो प्लेटें तैयार कर रही है, और देखिए यहाँ सब बैठे थे दुआ के लिए, जो टाइम नज़दीक आ रहा था सब दुआ के लिए बैठ रहे थे। और रूह अफ़ज़ाद भी हम लोग बनाते हैं इफ्तार में। तो देखिए इस तरह से थी मेरी कुछ इफ्तारी, और मेरी तबीयत अभी तो ख़राब है लेकिन थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चले बनाती हूँ वीडियो और आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से देखिए प्लेट्स, ये प्लेट बाहर से आई है हाजू वालों के यहाँ से, उन्होंने ब्रेड वड़े वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी थी उन्होंने, वो भी हम लोग ने सेपरेट कर लिए। तो इस तरह से थी हमारी आज की इफ्तारी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।